आज अपा पढ़ांगे डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। पढ़ाई के लिए लिया लोन, अब उस पर देना है इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा फ़ायदा। चलो जी जोक्स पार्ट। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। सेक्शन 80E, एलिजिबल असेसी कौन है? देखो सेक्शन 80E प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो उसने दिया, ठीक है ना, ओके थे क्या, हाँ, आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर कोई असेसी जैसे मैंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, ठीक है, मेरे खुद के लिए, मैंने अपने स्पाउस के लिए, या फिर मैंने अपने चिल्ड्रन के लिए, या फिर उस बच्चे के लिए जिसका मैं लीगल गार्डियन हूँ, पढ़ो, द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ परस्यूइंग हिज हायर एजुकेशन और फॉर द पर्पज़ ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव स्पाउस या चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल या स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज़ अ लीगल गार्डियन। समझ आया? वही, मैंने लोन लिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने स्पाउस के लिए, या फिर उस बच्चे के लिए जिसका मैं लीगल गार्डियन हूँ, तो मुझे जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा उस पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिडक्शन 80E में। हायर एजुकेशन मतलब प्लस टू के बाद कोई भी एजुकेशन जो रिकॉग्नाइज है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। पीरियड ऑफ डिडक्शन, जो डिडक्शन होगी वो अलाउड होगी इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल असेसमेंट ईयर, ठीक है, मतलब द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जैसे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, ईयर, उसके लिए हमें असेसमेंट ईयर में डिडक्शन मिलेगी। इन विच द, उसे रुक जा, इन विच द असेसी स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जिस साल मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ उस साल मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। एंड द 7 असेसमेंट ईयर्स, और आगे 7 साल और मिलेगा इमिजिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर, मतलब इस साल में मुझे मिलेगा, मतलब अब है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इंटरेस्ट। ओ यार ये तो आगे जा ही जा रहा है, ठीक है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गया, ठीक है, मतलब वो प्रीवियस ईयर था, अब असेसमेंट ईयर चल रहा है 2023-24, ठीक, तो अब मैं 2023-24 असेसमेंट ईयर में इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर, और 2023-24 फर्स्ट ईयर होगा, 2024-25 सेकंड ईयर होगा, ऐसे 7 ईयर्स और मिलेगा, 2023-24 फर्स्ट ईयर, 2024-25 सेकंड, 2025-26 थर्ड, ऐसे करके हमने क्या करना है, काउंट करनी है, ओके। ऑफ डिडक्शन हो गया, इट मीन्स, ये मीनिंग ऑफ, ये छोड़ो, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल छोड़ो, ठीक है ना। देखो मिस्टर बी ने लोन लिया, 3 एजुकेशन लोन लिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को, द डिटेल ऑफ विच आर गिवन बिलो। 1 अप्रैल 2022 को लिया, मतलब 22 और 23, ठीक है, ये क्या हो गया प्रीवियस ईयर, 23-24 क्या हो गया असेसमेंट ईयर। इन्होंने पूछा है कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80E फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है, 23-24। देखो डिडक्शन अंडर 80E, पहले मैं क्वेश्चन समझाता था, मिस्टर बी ने लोन लिया अपने लिए, अपने सन के लिए, अपनी डॉटर के लिए। हमने क्या पढ़ा था, मिस्टर बी अगर कोई इंडिविजुअल असेसी अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, या फिर अपने चिल्ड्रन के लिए, या फिर उस स्टूडेंट के लिए जिसका वो लीगल गार्डियन है, तो उस पे लोन पे इंटरेस्ट जो पे करेगा उसकी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इन्होंने लोन लिया MBA पर्पस के लिए, BSc और BA, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन 5 लाख 2 लाख 4 लाख, लोन की रीपेमेंट की जैसे 1,40,000-80,000, इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है जितनी लोन की रीपेमेंट की, क्योंकि इस पे इसका हमें बर्डन नहीं पड़ा, ठीक है ना, ये तो पैसा जो लिया था वही वापस कर रहे हैं। बर्डन किस चीज़ का पड़ा, एनुअल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हम 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 18,000, ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करो, ये बन गया 48,000, और ये देखो नीचे लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E कितना हो गया, 48,000। देयरफॉर इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव लोन्स वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। थैंक यू सर।